दोस्तों, वैसे तो आपने बहुत सी ऐसी वीडियो देखी होगी जहां कुछ लोग बहुत तेजी से काम करते हुए नजर आते हैं। आज हम आपको जिन लोगों से रूबरू करवाने वाले हैं उनके बारे में जानकर आप हैरान जरूर हो जाओगे, जिनके जैसे कारनामे और स्पीड आपने शायद ही पहले कहीं देखे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, आप में से किस किस को शावरमा खाना पसंद है? इसका तो नाम सुनकर ही भूख लग जाती है। शावरमा एक स्ट्रीट फूड है और इसके कस्टमर्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए शेफ को इसको तेजी से बनाना पड़ता है ताकि सब ऑर्डर्स पूरे हो सके। लेकिन ये जो अमेजिंग शेफ आप देख रहे हैं, ये रियली अपने काम में बहुत ही एक्सपर्ट हैं। ये चिकन को इतनी स्पीड से काटते हैं कि इसे तो देखते ही मजा आ जाता है, और इसके बाद ये मिनटों में शावरमा बना देते हैं, और ये सच में कमाल है। तो दोस्तों, अगर आपको भी शावरमा खाना पसंद है तो हमें कॉमेंट सेक्शन में यस लिखकर जरूर बताएं। आप लोगों ने रोटी तो जरूर खाई होगी, लेकिन रोटी बेलने का ऐसा तरीका आपने शायद ही पहले कभी देखा होगा, क्योंकि ये वर्कर न सिर्फ रोटी बेल रहा है बल्कि उसको सही आकार भी दे रहा है, और कुछ ही मिनट में ये डांस करते हुए बड़ी और गोलाकार रोटी तैयार कर देता है। और आप इसकी स्पीड का अंदाजा इस वीडियो को देखकर लगा सकते हैं। तो क्यों दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, क्या आप इतनी बड़ी रोटी बना सकते हो? अब इन जनाब को देख लो, इनकी स्पीड को देखकर हर कोई हैरान है। जहां हर कोई सेब को काटने के लिए काफी ज्यादा टाइम लगाता है, वहीं ये सेब को पलक झपकते ही काट देते हैं। और जितनी देर में आप एक सेब को अपने हाथ में उठाओगे, उतनी ही देर में ये सारे सेब को छील चुके होंगे। पहिए में लगने वाले बैरिंग को तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन पहियों में लगने से पहले इन बैरिंग को दुकानों पर ले जाने के लिए पैक किया जाता है। और ये लड़की इस बैरिंग को इस तरीके से पैक कर रही है जैसे कि खिलौने से खेल रही हो। ये अपने एक हाथ से दोनों बैरिंग को इकट्ठा करती है और दूसरे हाथ से इसको बड़ी आसानी से पैक कर देती है, और ये दोनों ही काम एक समय में ये एक साथ करती है। दोस्तों, कैंडी तो आप लोगों ने खाई होगी, लेकिन कैंडी को सही आकार देने के लिए उनको बराबर आकार में काटा जाता है, और इस काम को करने के लिए मशीनों का इस्तेमाल भी होता है। लेकिन ये जनाब बिना किसी मशीन का सहारा लिए अपने हाथों से इस कैंडी को सही आकार देने में लगे हुए हैं, और इनके द्वारा काटे गए कैंडी के आकार एकदम परफेक्ट होते हैं, और दूसरी इनकी स्पीड भी देखने लायक होती है। दोस्तों, होटल और रेस्टोरेंट में सफाई कर्मचारी की जरूरत तो बहुत ज्यादा पड़ती है, और रेस्टोरेंट को साफ रखना भी बहुत जरूरी होता है। लेकिन जरा इस व्यक्ति को देखिए जो बहुत तेजी से सफाई करने में लगा है, और इसकी स्पीड किसी मशीन से कम नहीं है। इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये कुछ ही घंटों में पूरा होटल और रेस्टोरेंट साफ कर सकता है। दोस्तों, आप अपनी दुकान पर एक सामान को पैक करने में कितना समय लगा सकते हैं? 5 मिनट या 10 मिनट? लेकिन शायद आप इस लड़की के जितने तेज स्पीड में किसी चीज को पैक नहीं कर सकते, क्योंकि ये लड़की इतनी तेज स्पीड में कुकीज को पैक कर रही है कि इसके हाथों के चलने का पता ही नहीं चल रहा। अगर दुकान पर ऐसे वर्कर्स हों तो दुकान पर तो कस्टमर्स की भीड़ ही ना लगे, क्यों, है ना दोस्तों? दोस्तों, किसी भी चीज को फ्राई करने के लिए फोकस चाहिए होता है। अगर हमारा जरा सा भी ध्यान इधर से उधर हुआ तो जलने का भी खतरा रहता है। लेकिन ये जनाब बिना डरे खाने को इतनी तेज स्पीड में फ्राई कर रहे हैं कि आप इनके काम करने की स्पीड नंगी आंखों से देख ही नहीं सकते। किसी भी टेबल को सजाने के लिए काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन कुछ इंसान इस काम में इतने ज्यादा आगे निकल चुके हैं कि उनके लिए काम कुछ सेकंड का ही होता है। तभी तो ये जनाब टेबल पर प्लेट को बहुत ही शानदार तरीके से और कुछ ही मिनटों में सजा देते हैं, और इनके काम करने का तरीका भी काफी अनोखा है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों, आप एक बार में कितने प्याज काट सकते हो? ज्यादा से ज्यादा एक या दो, लेकिन हो सकता है कि किसी मशीन की मदद से आप ज्यादा प्याज भी काट लें। लेकिन इस व्यक्ति को देखो, ये व्यक्ति प्याज को एक के ऊपर एक रखकर इस तरीके से काट रहा है जैसे कि ये काम में एक्सपर्ट हो। जहां लोग हाथों से एक प्याज भी ठीक तरीके से नहीं काट पाते, तो दूसरी ओर ये प्याज को बहुत सारी मात्रा में एक साथ वो भी बहुत बारीक तरीके से काट रहा है। दोस्तों, आजकल हर मटेरियल में लोहे का इस्तेमाल बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, और लोहे के छोटे छोटे पार्ट्स भी बड़े बड़े कामों को करने के लिए काम आते हैं। तभी तो बहुत सी कंपनी में लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को बनाया जाता है। लेकिन इससे भी खास बात यह है कि यहाँ काम करने वाले युवक और वर्कर्स काफी तेज स्पीड से इन टुकड़ों को पैक करने का काम करते हैं, और इनके हाथों को देखकर आप इनकी स्पीड का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेज स्पीड में ये काम करते होंगे। और इनको देखकर साफ पता चलता है कि कुछ ही सेकंड में ये पूरे के पूरे काम को खत्म कर लेते होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में घर बनाने वाले मिस्त्री और वर्कर्स के बीच एक अनोखा कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। ये दोनों ही अपने काम को इतनी तेज स्पीड से कर रहे हैं कि वो एक घर को एक दिन में बना के रख दें। और इसमें खास बात यह है कि वर्कर्स अपनी जगह पर रहकर एक दूसरे को सामान दे रहे हैं, और जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे वर्कर सीमेंट के मिश्रण को मिस्त्री को देता है, और मिस्त्री किस तरीके से इसको आसानी से कैच भी कर लेता है।
आज पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नूडल्स काफी ज्यादा डिमांड में हैं। आज हर कहीं नूडल्स काफी मात्रा में खाए जाते हैं, तो वहीं नूडल्स बनाने के लिए आज बहुत सी मशीनें भी आ चुकी हैं। लेकिन ये जनाब अपने हाथों से ही नूडल्स बनाने में लगे हैं और इनकी स्पीड किसी मशीन से कम नहीं है। ये काफी तेज स्पीड से मैदे को बारीकी से काटने का काम कर रहे हैं और वो भी नूडल्स के एकदम सही आकार में। आप लोगों ने कभी न कभी मार्शमेलो तो खाई होगी और आज भी मार्शमेलो बच्चों को काफी पसंद है, लेकिन ये व्यक्ति मार्शमेलो को काफी ज्यादा तेज स्पीड से बनाता हुआ नजर आ रहा है। ये व्यक्ति इतनी स्पीड से मार्शमेलो को बनाकर लकड़ी में लपेट देता है जैसे कि ये इसके लिए बाएं हाथ का खेल हो। तो दोस्तों, अगर आपको भी मार्शमेलो पसंद है तो हमें कमेंट सेक्शन में यस लिखकर जरूर बताएं। कपकेक तो आप लोगों ने खाए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कपकेक कैसे बनाए जाते हैं? दोस्तों, अब हम आपको कपकेक बनाने की रेसिपी तो नहीं बता सकते, लेकिन उन्हें कैसे पैक किया जाता है ये जरूर बता सकते हैं। ये इंसान कपकेक के मिश्रण को बहुत तेजी से कपकेक में डाल रहा है और हैरानी की बात यह है कि ये मिश्रण को थोड़ा सा भी नीचे नहीं गिरने देता और बहुत तेज स्पीड से कपकेक के मिश्रण को सांचे में डाल देता है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको साफ दिख रहा होगा कि यहाँ मीट को पीसकर उसको पैक करने का काम चल रहा है, लेकिन अब जरा इस महिला के हाथों को देखो तो ये मीट को कैसे बहुत ही आसानी से लाइन में सही आकार में बांध रही है और इसके काम करने की स्पीड भी काफी तेज है। दोस्तों, पत्थर तो हर कोई तोड़ सकता है, लेकिन पत्थर को सही आकार में तोड़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती और आज पत्थरों को तोड़ने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये व्यक्ति पत्थरों को सही साइज में कुछ ही मिनटों में तोड़ देता है और वो भी बहुत जल्दी से, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। अंडों को दो टुकड़ों में तो हर कोई कर सकता है, लेकिन ये महिला कुछ अलग ही कर रही है। ये बहुत ही बारीक तरीके से अंडों को काट रही है और इसके अंडे काटने की स्पीड इतनी ज्यादा तेज है कि जितनी देर में आप एक अंडे के दो टुकड़े करोगे तब तक ये पूरे के पूरे अंडे को बारीक टुकड़ों में काट चुके होंगे। बिल्डिंग बनाने के लिए केवल एक ही इंसान की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि हर काम के लिए अलग अलग व्यक्तियों को बुलाना पड़ता है, लेकिन फिर भी एक बिल्डिंग बनाने का काम बहुत ही जल्दी खत्म नहीं हो पाता। लेकिन अब जरा इन वर्कर्स को देख लो जो बहुत तेज रफ्तार से बिल्डिंग बनाने का काम कर रहे हैं और इनकी स्पीड देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे इनके अंदर कोई मशीन फिट कर दी गई हो। दोस्तों, होटल्स में खाना बनाने की बात करें तो यकीन करें ये जॉब सच में मुश्किल है। सैकड़ों लोगों के लिए डेली खाना बनाना ये तो सोचकर इंसान थक जाता है। ऊपर से हर किसी को खाने की बहुत जल्दी रहती है, लेकिन ये जो मास्टर कुक आप देख रहे हैं यकीनन इस रेस्टोरेंट के कस्टमर्स इनसे बहुत ही सेटिस्फाइड होंगे क्योंकि इनकी कुकिंग स्किल सच में अमेजिंग है। किसी भी कंपनी में प्रोडक्ट तैयार होने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी पैकेजिंग और बॉक्सिंग होती है, लेकिन कुछ कंपनियों को ऐसे फास्ट वर्कर्स मिल जाते हैं जो काम सेकेंड्स में कर लेते हैं। जैसे कि ये वर्कर एक बॉक्स को ऐसे कमाल की स्पीड से अरेंज कर रहे हैं कि इस तरीके से तो कोई मशीन भी ना कर पाए। इसके अलावा ये जो फैक्ट्री एम्प्लॉइज हैं, ट्राउजर्स में लेसेस डाल रहे हैं, इनका ये हैंडबैग डिवाइस सच में अमेजिंग है और ये वर्कर केबल पर मार्किंग कर रहे हैं, ये सब बहुत एक्सपर्ट हैं। दोस्तों, आप सब ने किस्म किस्म का पास्ता तो खाया होगा। इस तरह का पास्ता लेने के लिए हमें बाजार से फैक्ट्री मेड पास्ता खरीदना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग अपने काम में इतने एक्सपर्ट होते हैं कि इनके हाथ ही मशीन बन जाते हैं और वो घर पे ही सारे काम कर लेते हैं। ये जो एक्सपर्ट ग्रैंडपा आप देख रहे हैं ये एक सिंपल सी खाने के चम्मच की मदद से अमेजिंग पास्ता बना रहे हैं। ये एक दफा चम्मच को घुमाते हैं और पास्ता रेडी हो जाता है। ये सच में अनबिलीवेबल है। दोस्तों, आपने अपने घर पे रोटी बनती तो देखी होगी। इस प्रोसेस में आटे से पहले पेड़ा बनाया जाता है और फिर इस आटे से गोल रोटी बनाई जाती है। घर में औरतों का ये रोज का ही काम है, लेकिन फिर भी इस काम में टाइम तो लगता ही है। लेकिन ये जो वर्कर आप देख रहे हैं ये जिस स्पीड से ये गोल चपाती बना रहे हैं इस प्रोसेस को देख पाना भी मुश्किल है। ये एम्प्लॉय इन छोटी चपातियों को किस तरह कुक करेंगे तो नहीं पता, लेकिन इनकी स्पीड वाकई में बहुत तेज है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी और भी इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।